नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप और मैं बाबा। आपने देखा होगा कि मेरे सारे भारत लाइव के जितने भी रिपोर्टर सब अपना नाम बताते हैं, मैं भी अपना नाम बताता हूं आपके सामने बाबा। और एक खबर बवालिया खबर है। बवालिया खबर यह है कि धीरे धीरे अब वो रस्म अदायगी जो है गुस्से में बदलती जा रही है। आपको पता है कि चुनावी रस्म अदायगी क्या होती है? वो होता है टिकट, और टिकट के बाद सिंबल, और सिंबल को लेकर के अगर रस्म अदायगी में देर हो तो निश्चित रूप से दुल्हा दुल्हन जितने भी बराती हैं सब गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि भैया रस्म है, और रस्म में लोटा लेकर के यदि आप अगिया नहीं मांगिएगा तो कोई भी भोजन नहीं जमाता है। ये हमारे बिहार में एक बड़ी परंपरा है और इस परंपरा का पालन लगभग सभी करते हैं, चाहे किसी भी जाति वर्ण के हों। आप अगर सम्मान देते हैं तो सम्मान आपको वापस मिलता है। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है इस बार के चुनाव में। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। 2020 का चुनाव बहुत कुछ लेकर के आएगा, कुछ ऐसी बातें लेकर के आएगा जिससे एक बार फिर से प्रमाणित होगा कि बिहार में सबसे ज्यादा राजनीति की खेती होती है, उपज होती है और खपत भी होती है। आपने रितु जायसवाल का नाम सुना होगा। हमने कई विश्लेषण में बताया है कि रितु जायसवाल परिहार विधानसभा के सिंहवाइनी पंचायत की मुखिया हैं। जेडीयू में ज्वाइन किया था उन्होंने, और उसके बाद से पूरी तरह से यह माना जा रहा था कि इस बार वहां से भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ हो जाएगा। सिटिंग वहां की एमएलए हैं, और एक महिला को महिला से भिड़ाने के लिए नीतीश कुमार जी ने पूरा पूरा प्रबंध कर दिया है। पर अंतिम समय में ऐसा लगा रितु जायसवाल को कि शायद उनके साथ अन्याय हो जाए और उन्हें टिकट नहीं मिले, उन्होंने जदयू का त्याग कर दिया। चर्चाएं तो बहुत चल रही थी कि उन्हें लालटेन मिल जाएगा और लालटेन लेकर के वो वहां की रोशनी बढ़ा देंगी। आपको पता है कि नीतीश कुमार जी का दावा है कि हमने घर घर में बिजली पहुंचाया है, और रितु जायसवाल का दावा है कि उन्होंने सिंहवाहिनी पंचायत में घर घर विकास पहुंचाया है। उनका दावा उनके बातों से पता चलता है। पर हमने आपको यह भी बताया था कल कि रितु जायसवाल के इस्तीफा के बाद बहुत सारी बातें हो रही थी। हमने भी रितु जायसवाल से आपको वादा किया था कि बात करवाएंगे। बिल्कुल हम बात लेकर के आए हैं। रितु जायसवाल क्या कुछ कह रही हैं, लेकिन आप उससे पहले बता देते हैं कि हमने एक नाम आपको और बताया था, जेपी राय का। जेपी राय आरजेडी के नेता हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले आरजेडी में ज्वाइन किया है, डीएसपी पद से रिटायर किए हैं, और अपने क्षेत्र में रितु जायसवाल की तरह वो सिंहवाहिनी पंचायत नहीं बल्कि वो पूरे परिहार विधानसभा में अपन माटी अपन लोग को लेकर के लंबे समय से काम कर रहे हैं। संपन्न व्यक्ति हैं, और उनकी संपन्नता राजनीतिक संपन्नता नहीं है बल्कि सामाजिक संपन्नता है। जो हमारे पास रिपोर्ट आए हैं, जो हमने वहां से तथ्य जुटाए हैं, लोगों से जो बातचीत की है, उसके आधार पर रितु जायसवाल का दावा एक बात तो पक्का करती है कि वहां पर इस बार एनडीए के लिए राह बड़ी मुश्किल रितु जायसवाल करने वाली है। लेकिन जो कोर वोटर आरजेडी के हैं वो अब जेपी राय के तरफ जाते दिख रहे हैं। जेपी राय का ऐसे भी क्षेत्र में बड़ा नाम है, जैसा रितु जायसवाल का है वैसा जेपी राय का भी है। और ऐसी स्थिति में अगर नंबर तीसरा हो जाए एनडीए का तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। रितु जायसवाल से हमने पूछा कि क्या मैम आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि ऑफर तो बहुत सारी पार्टियों से है, लगभग 99% मतलब एनडीए को छोड़ करके जितने भी दल हैं सारे जगह से आ गया। हमने पूछा कि क्या आपको फूल के तरफ से आया है, तीर के तरफ से आया है, लालटेन की तरफ से आया है, या फिर बंगले का ऑफर आया है, चिराग फैलाएंगे आप? उन्होंने साफ तौर पे हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमसे कहा कि आप तो पत्रकारों की भाषा में बोल रहे हैं। हमने कहा कि मैं पत्रकार हूं, भाषा तो वही होगी मेरी, क्योंकि मेरी बिरादरी चौथे स्तंभ के रूप में आती है। और हमने बात जब शुरू किया तो मैंने जेपी राय का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि टक्कर तो किसी से नहीं है, हर प्रत्याशी कहते हैं, लेकिन एक बात तो पक्का नजर आ रहा है कि वर्तमान विधायक महोदया से इनकी टक्कर जबरदस्त लगती है। और इसमें फायदा अगर कहीं महागठबंधन को हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो बातचीत हुई है उसके अंश हम आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, सुनिए। और आप भी अब जोड़ घटाव शुरू कर दिए, यदि परिहार से आप हैं तो आप जोड़ घटाव शुरू कर दीजिए कि लड़ाई कहां जा रही है और जीत हार में कौन
सबसे ऊपर जा रहा है। अभी तो चुनाव में समय है, टिकट भी फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन ये पक्का लग रहा है कि आरजेडी जेपी राय पर भरोसा करेगी, क्योंकि उनका जनाधार और लोगों के बीच में पकड़ बड़ी है। रितु जायसवाल को हो सकता है कि किसी अलग कोण से, चूंकि इस बार बड़ी सारे गठबंधन बन गए हैं, 3-4 गठबंधन तो निश्चित रूप से हैं, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। इसका मतलब है कि रितु जायसवाल को या तो निर्दलीय लड़ना पड़ेगा, या फिर उन्होंने जैसा कहा है कि बहुत सारे ऑफर हैं, देखना होगा कौन सा ऑफर उन्हें मिलता है, किसके ऑफर पे वे स्वीकार करती हैं और फिर किस सिंबल पे चुनाव लड़ती हैं या फिर निर्दलीय लड़ती हैं। लेकिन बातचीत के आधार पर उन्होंने कहा कि चुनाव तो वो पक्का लड़ेंगी, क्योंकि नीतीश कुमार की व्यवस्था से वो परेशान हैं, दुखी हैं, और जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको जो दुख है वो उसको बदलना चाहती हैं। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने हमारे साथ बातचीत में। जी नमस्कार मैम। जी नमस्ते मैम। आपने इस्तीफा के लिए पेशकश किया है और आपने बजाते चिट्ठी भी उसकी सोशल मीडिया पे डाली है। मैम क्या हो गया था जिसके कारण अचानक से आपको ये डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि 16 घंटा पहले आपने मुख्यमंत्री जी के प्रेस वार्ता को भी आपने शेयर किया था, लेकिन 16 घंटे के अंदर में क्या हो गया मैम? नहीं मैं, मुझे पार्टी ज्वाइन करके 10 महीने हुए थे लगभग। जी ठीक है। और लगभग 10 महीने से मैं पार्टी में हूँ और मैं पार्टी को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके पहले मैं कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ी हुई थी। मैं स्वतंत्र रूप से मुखिया बनी, इंडिपेंडेंट तौर से, और चूंकि पार्टी बेस्ड है भी नहीं मुखिया का इलेक्शन, तो मैं वैसे काम कर रही थी। फिर ऐसी कई चीजें हुई जिसमें मुझे पार्टी का, मतलब मुझे लगा कि ठीक है मुझे पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, मैंने पार्टी ज्वाइन किया। पार्टी में जो भी मुझे कार्य मिला संगठन को मजबूती करने का, वो सब मैंने पूरी ईमानदारी से किया। जो भी मुझे मिला, सीतामढ़ी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष बनाई गई, मैंने वो काम भी पूरी ईमानदारी से किया। ठीक है। लेकिन उस दौरान मुझे ये बहुत मुझे महसूस हुआ कि जिस बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव के लेवल पर, पंचायत अध्यक्ष के लेवल पे बूथ जीतो चुनाव जीतो का जो ये दावा है, वो पूरी तरह से खोखला मुझे दिखा जब मैं उस लेवल पे काम करने गई। कारण था कि वहाँ की जो कार्यकर्ता है, जो बूथ अध्यक्ष लेवल के या बूथ सचिव लेवल के जो लोग हैं, पंचायत अध्यक्ष के लेवल के जो लोग हैं, प्रखंड अध्यक्ष के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें एक भयानक, मतलब मुझे लगा कि एक असंतोष है पार्टी के कुछ रवैयों को लेकर के। जी जी जी। वो ये था कि जो मतलब अगर वो किसी काम के लिए ब्लॉक में जाते हैं, जनता को उम्मीदें होती हैं, जनता जनप्रतिनिधि के तौर पे, विधायक के तौर पे जिताती है, जनता को एक उम्मीद होती है कि वो जा करके काम करेंगे, उनके काम को करा पाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स हों या बाबू हों या सरकारी अधिकारी कर्मचारी हों, लेकिन चिंता नहीं है उनकी, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। जी जी मैम, आगे फर्दर मैम क्या आपका डिसीजन होगा? आप वहां से चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ेंगी या फिर किसी दल को ज्वाइन करेंगे? मेरा जुड़ाव जो है वो मेरा एक इमोशनल कनेक्शन जो है वो परिवार के लोगों के साथ, उनके सुख दुख में मैं काम आई हूँ, मेरे सुख दुख में वो खड़े रहे हैं, हम लोगों ने ऐसा ही मतलब एक दूसरे का सहारा का काम किया। आप मैं ये कहूँ ऐसा नहीं है जब परिहार विधानसभा क्षेत्र के किसी पंचायत से या किसी जगह मेरे पास 20 से 25 कॉल नहीं आते हैं कि मैडम जिस तरह से आप काम करती हैं, जिस तरह से आप खुदों को उठाती हैं, विधानसभा क्षेत्र मैम आप कहीं और मत जाइए, आप प्लीज परिहार विधानसभा क्षेत्र से लड़िए। जी जी। नहीं था, जनता ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता की इच्छा का हम कदर ना कर पाए। पार्टी गवर्नमेंट वैसे प्रतिनिधि इस वजह से कि वो सत्ता में है और वो सीटिंग है, इसलिए वो नहीं हटना चाहिए, चाहे वो जनता की मर्जी हो या ना हो। ये तंत्र को हम लोगों ने पार्टी तंत्र बना के छोड़ दिया। जनता की मर्जी कुछ और है, जनता की मर्जी कुछ और है, पार्टी की मर्जी कुछ और है। हमेशा से पार्टियां इतनी हावी हो गई हैं कि वो जनता के ऊपर थोपती रही हैं। जी जी जी। तो ये पार्टी तंत्र को प्रजातंत्र के ऊपर थोपने का जो एक वो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं से विधानसभा क्षेत्र। तो मैम इस अनुभव के साथ, ये जो कटु अनुभव आपको है, अनुभव रह करके पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि सिटिंग वहाँ के जो है वो गठबंधन से, एनडीए के गठबंधन से भाजपा की सिटिंग एमएलए अभी वहाँ पे हैं। जी तो परिहार की जनता, मैम परिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, इस कटु अनुभव के साथ आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगी या फिर किसी पार्टी के साथ जाएंगे आप? अगर मैं अभी हमारी तैयारी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट की है, ठीक है, जी, जी। अगर जनता भी इस बात को समझती है और मेरे इंडिपेंडेंट आने का वो सम्मान करती है, ठीक है, जी, जी। तो मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई पार्टी, ठीक,
अगर मेरे काबिलियत, मेरी ऑनेस्टी और मेरा जो रवैया रहा है हमेशा से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त आवाज उठाने का, जी उससे प्रभावित होकर के अगर कोई पार्टी मुझे टिकट ऑफर करती है, जी ठीक, कि नहीं आपके जैसे लोगों को आना चाहिए और वो इस भावना को बिहार विधानसभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को समझते हुए अगर वो आकर के अगर कुछ कहती हैं, तो ये बाद में देखने की बात होगी। अभी इंडिपेंडेंट मेरा अपना है कि हम जनता अगर अगर स्वीकार करती है इंडिपेंडेंट के तौर पे तो मैं तैयार हूँ। मैं एनडीए एनडीए की दो बड़ी पार्टियां, एक तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि वहां के सिटिंग एमएलए हैं, और दूसरी पार्टी जो जदयू है, इसको आपने त्याग दिया है। अब आगे मैम बसता है विपक्षी जो पार्टियां हैं उसमें आरजेडी बसती है, कांग्रेस बसती है, तो क्या आरजेडी के तरफ, जैसा कि सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है, लगातार खबरें आ रही हैं कि आप लालटेन का हाथ थामेंगी, क्या हाथ में या हाथ में लालटेन लेंगी या लालटेन हाथ में रहेगा? ये तो बिल्कुल आपको पत्रकारों वाला सवाल हो गया कि मैं लालटेन को थामूंगी या लालटेन मेरे हाथ में रहेगा। जी मैम पत्रकार हूँ तो पत्रकार जैसा ही सवाल होगा ना। हम ये कहते हैं कि रोशनी जानी चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कि लालटेन थाम रखा है या लालटेन को हमने थाम रखा है, लेकिन लालटेन जब जलेगी तो उसकी रोशनी तो दूर तक जाएगी जाएगी। चिराग की रोशनी आपको कहाँ लग रही है मैम? देखिए यहाँ पे एक सेफ साइड तो है, ठीक है, जी। हम दावा तो जरूर कर रहे हैं हर जगह घर घर बिजली पहुंचाने का, जी। हर घर घर में बिजली पहुंचा दी है, जबकि आप ग्रामीण क्षेत्रों में आकर के देखेंगे जी। तो आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति है, ठीक है, जी। पोल खंबे टूटे हुए हैं, जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है खासकर परिहार विधानसभा, एक खंभा आपको सीधा दिख जाए ना, ठीक है, और आपको छोड़ दीजिए बिजली की स्थिति आए दिन, मतलब इतनी ज्यादा कहीं पे लोड अगर कहीं 60-100 केवीए का है तो वहां पे 60 से काम चल रहा है, आधे से ज्यादा ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, तो वैसी स्थिति बनी हुई है कि कहने को हमने घर घर में पहुंचा दिया है लेकिन उसका स्थिति क्या वाकई में वो घर घर में उजाला दे रहा है? क्या मैम नीतीश जी के इस बिजली युग में लालटेन हाथ में पकड़ेंगी? देखिए ये एक सिंबल है रोशनी का, ठीक है, जी जी, ये आप अगर आप सिंबल को कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि बिजली युग में आप लालटेन को पकड़ेंगी, उनका सिंबल है वो तीर है, तो क्या आप कहेंगे कि बंदूक चलाने के युग में, तोप चलाने के युग में क्या आप तीर चलाएंगे, क्या आप तीर का सहारा लेंगी? तो तीर एंड लालटेन इज जस्ट अ सिंबल, पार्टी की तरफ से एक सिंबल है, ठीक है, तो वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि इस रोशनी के युग में आप लालटेन पकड़ेंगी, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते फिर हम दूसरी पार्टी ये कहेंगे कि भाई इस युग में आप जहाँ तलवारें मतलब लाइक जहाँ तोपे चलती हैं वहां पे आप क्या तीर चलाएंगी, महाभारत के युग की बात आप कर रही हैं, तो ये एक सिंबल है, चाहे वो तीर हो चाहे वो लालटेन हो, ये जस्ट सिंबल है, ठीक है। मैम रितु जायसवाल जी जो सिंहवाहिनी पंचायत को दुनिया भर में एक नाम पहचान दे दी, वो परिहार को एक पहचान देने के लिए अब बिना सिंबल के भी बिना किसी पार्टी को ज्वाइन किए भी चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ये तो पक्का है कि चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे उससे कोई पार्टी हमारी ऑनेस्टी से प्रभावित होकर के हमें अगर आती है टिकट देती है तो ठीक है, और अदरवाइज नहीं, तो जनता अगर हमको इंडिपेंडेंट स्वीकार करने के लिए तैयार है तो हम। अंतिम प्रश्न मैम, क्या लालटेन वाले सिंबल वाले लोगों ने आपसे संपर्क किया है? लगभग सभी ने किया है, ठीक है, चलिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने किया है, ये नहीं है कि लालटेन वाले ने किया है, लगभग जितनी भी पार्टी जिनको मैंने छोड़ने के बाद जो पार्टी बचती है ना जी, ये लगभग सभी नहीं कह सकती, लगभग सभी ने किया है, डजंट मीन कि हम सब पार्टी से आ रहे हैं, ठीक है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।